हेलो डियर स्टूडेंट, असी प्लस वन जमात की पुस्तक कथा संगम विच दर्ज कहानी गोई जो कि प्रेम प्रकाश जी की शाहकार रचना है बारे पढ़ रहे सी। बेटा पहला असी इस कहानी के पेज नंबर 18 तो लैके 24 तक रीडिंग कर चुके हाँ अते आज असी पेज नंबर 25, 26 अते 27 की रीडिंग करनी है। पर सब तो पहला मैं तुहानू पेज नंबर 18 तो लैके 24 तक दे सार संबंधी संखेप दसांगी। ओके बेटा, इस कहानी विचला मुख पात्र बगतावर है। उसकी पत्नी का नाम बलविंदर है। उसका एक पुत्र है जिसका नाम जंग बहादुर सिंह उर्फ जंगी है। कहानी विच असी पढ़ते हाँ कि जिस दिन बगतावर की बेबे की बरसी हुंदी है उस दिन ही उसके पुत्र जंग बहादुर का जन्मदिन भी हुंदा है। पर घर विच हर साल उसके पुत्र का जन्मदिन मनाया जाता है। इस तरह बगतावर अपने पुराने दिन याद करता है कि जदों उसकी बेबे की मौत हो जाती है तो वह अपने बापू नूं पिंड तो अपने को शहर ले आता है। पर बापू के प्रति उसकी पत्नी बलविंदर का वतीरा चंगा नहीं हुंदा, इसलिए घर विच कलेश पिया रहिंदा है। उस समय बगतावर नूं अहसास हुंदा है कि उसने अमीर घर की कुड़ी नाल व्याह क्यों किया सी। सो इसे कलेश नूं खत्म करन लई बापू डंग टपाऊ कमरे दे नाल छन पा के रहना शुरू कर दिंदा है। पर बलविंदर फिर भी बापू नूं अपने पुत्र जंगी नाल खेडन तो भी टोक दिंदी है। उस समय बगतावर बहुत औखा हुंदा है अते सोचदा है कि जिस जट्टां दी कुड़ी नाल उसदे बापू ने उसका रिश्ता तय किया सी उसनू उस दे नाल ही अपना घर वसा लेना चाहिदा सी। दूजे पासे उसकी बेबे दा सुभा बापू तो बिल्कुल उल्ट सी। उसनू अपने पुत जम्मण ते पालन ते पूरा माण सी। इत्थों तक कि बापू जो कि अपनी जमीन नालों नाता नहीं तोड़ना चाहुंदा सी पर उसने अपने पुत्र दी खुशी दी खातर अपनी पिंड वाली जमीन भी वेच दित्ती सी। इसलिए बगतावर कदे भी अपने बापू नूं अणगौलिया नहीं करना चाहुंदा सी। अते अज उसके पोतरे जंग बहादुर दे जन्मदिन दे मौके ते अपने बापू दी फरमाइश ते गोई बना रहा सी। ओके बेटा, हुण नैक्सट असी पेज नंबर 25 जो है पहले उसके वर्ड मीनिंग डिस्कस करांगे। देखो बेटा, फर्स्ट वर्ड इत्थे आ रहा है माल डंगर। माल डंगर बोल दिंदे ने पशु नूं, पशुआं नूं, ठीक है। नैक्सट वर्ड सुकात, तोहफा। क्रोपी, आफत, लड़ना पैंदा, सामना करना। नैक्सट वर्ड है झोरा, पछतावा। पिछा, पिछोकड़। नैक्सट बेटा वर्ड है टप गया सी, टप गया कुद पिया, खुशी नाल कुदना। नैक्सट बेटा वर्ड है मोटा मोटा कणा, कणा इत्थे वर्ड मी। नैक्सट बेटा वर्ड है छप्पर, रारे नाल वर्ड है टारा। हुण इत्थे एक वर्ड है कब्बे, पर एक कब्बे वर्ड नहीं है, इत्थे राइट वर्ड है खब्बे, ठीक है। ओके बेटा, हुण असी इस पेज की रीडिंग करनी है। गोई बिमला भी बना सकती है पर बनाउंदा अक्सर मैं ही हाँ, इस लई वई भई वह मेरा बापू है पत्नी बारा। पत्नी बारा के पत्नी की मौत हो चुकी है। उंज दिल दी बलविंदर भी माड़ी नहीं, वह तो चाहती है भी बापू चंगा खावे, चंगा पीवे, हंडावे, चंगा बोले, गुरुद्वारे मत्था टेके ते वाहेगुरु करिया करे। जिस तरह उहदे दादा जी चिट्टे दुध वर्गे कपड़े पा के बैठते ने, डाइनिंग टेबल ते बह के खांदे ने ते शाम नूं घर आए पुत्रां पोतरियां नाल राजनीति दियां गल्लां करदे ने। और नहीं समझदी भई बापू उस मिट्टी दा जम्मिया पलिया है जिथे खेत ने पिपलां बरोटियां वाले टोबे ने। बरोटा भी बेटा रुख दा नाम है। वेड़िया च माल डंगर ने, हर बदलदे मौसम नाल धरती माता अपनी सुगात देंदी है, कुदरत दी करोपी नाल लड़ना पैंदा है। हुण इस पैरे विच की दस्सिया गया है कि बलविंदर दिल दी माड़ी नहीं सी, सिर्फ वह ये चाहती सी कि बापू भी उसके दादा जी वांग चंगा खावे पीवे, गुरुद्वारे जावे, मत्था टेके, ते दुध चिट्टे कपड़े
ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਪੂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਸੁਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਝੋਰਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਬਖਤਾਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ TV 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਚੌਮਾਸਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਉਣ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੌਹਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੌਹਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਪੁਰੇ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਭੂਰੀ ਘਟਾ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਣਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਦ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਢਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕਦੇ ਡੰਗਰ ਕੰਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਵੱਢ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਢ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਪੂਛਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਛੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਆਰੇ ਭਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਖਤਾਵਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਯੋਗਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਜੋ ਉਸਦੀ ਇਸ ਬਖਤਾਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 26 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਹੈ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ, ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੀ, ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਮਿਸਾਲ, ਉਦਾਹਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਵਰਡ ਹੈ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਰਦਨੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਰਦਨੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਨਾਲ 25 'ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਬਾਪੂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਪਲੋਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਸਦੇ ਖੱਬੇ ਮੋਹਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਦੀ ਬੀਂਡਲ ਤੋਂ ਬਾਮ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਪਿੱਠ ਦਾ ਮਾਸ ਲਮਕਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਦਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਿੱਠੂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੋਰੀਆਂ। ਪਿੱਠੂ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਪੂ ਬੇਟਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਬੋਰੀਆਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਜੀ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਆਇਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਕਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜੰਗੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਸਾਲਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨੌਕਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
किन्ने किस्म दे मीट मच्छी पुलाओ जरदा ते डिशां बापू गोई मंगदा है। बस ठीक है, मैं उन्हां दी सारियां गल्लां ते हाँ कर देंदा हाँ ते खेड़ा छुड़ा के रसोई च आ जांदा हाँ बापू गोई मंगदा है। हुण जदों बख्तावर दा छोटा साला उसनूं हिसाब किताब लई बाहर बुलाउंदा है तो उस समय बलविंदर नूं आवाज़ मार लैंदा है। हुण बलविंदर नूं उन्हें पहलां क्यों बुला लिया? क्योंकि सारी मर्जी घर विच बलविंदर दी चलदी है, उसकी सिर्फ हाँ की ही जरूरत मनी जाती है। इसलिए बख्तावर बस ठीक है शब्द कह के उन्हां कोलों खेड़ा छुड़ा के अपने बापू की इच्छा पूरी करने लई गोई बनाउण लई आ जाता है। उसकी यह मंग उस तरह की है जिवें शहर आके जलेबियां जां बत्ता मंगदे हुंदे सी, जिवें कोई चीज़ मन च ही रही पई होवे। फर्क सिर्फ यह है भई असी जिद नाल मंगदे सी, बापू फरमाइश पाउंदा है। ड्राइंग रूम च फिर शोर मचिया, रेडियो की आवाज़ के नाल नाल हादसे का रौला भी है। शायद किसी भारतीय खिडारी ने छिक्का मारिया है, जां सेंचुरी का नवा रिकॉर्ड बनया है, जां किसी ने जोरदार चुटकला सुनाया है। जो ड्राइंग रूम च फिर शोर मचता है तो लेखक सोचता है कि जो मैच वेख्या जा रहा है जां भारतीय खिडारी ने छिक्का मारिया है जां कोई चुटकला सुनाया जो इन्नी जोर दी हादसा आ रहा है। मैं घी च आटा भुन रहा हाँ, हादसा हाले भी जारी है। कदे कदे चुटकला सुनाउण वाला जां सुन के हसन वाला बंदा किन्ना बेरहम हो जाता है, उहदी एक मिसाल बलविंदर भी है, जिहदे कारण शायद उहदी माड़ी नीत नहीं बेसमझी है। उदों बापू बहुत बीमार हो गया सी, असीं उहनूं गैरेज चों चुक के एक कमरे च लै आए सी। बलविंदर डरदी सी भई उहदे रिश्तेदार खबर नूं आउणगे तां की आखणगे भई बुढ़ा गैरेज च पिया है। हुण इत्थे बलविंदर नूं उहने बेसमझ क्यों आख्या? क्योंकि उसने बापू दी जो माड़ी शरीरक हालत सी जां उसकी जो आखिरी इच्छा सी उसनूं मजाक विच लिया सी। जदों बापू बीमार हो गया सी तो उसनूं हस्पताल दाखिल करवाउणा पिया सी। ठीक है, उस शाम बापू दे चेहरे ते कदे रता के शांति हुंदी, कदे अचानक मुरदनी छा जांदी। मैनूं लग्गिया हुण हालत चंगी नहीं, असीं शाम नूं ही मिलटरी हस्पताल च लै गए। मतलब कदे बापू दी हालत ठीक हो जांदी ते कदे हत्थां पैरां दी पै जांदी सी। इस लई लेखक बख्तावर उसनूं जल्दी जल्दी हस्पताल लै जांदा है। रात दे 4 बजे बापू ने सानू कोल नू होण दी सैनत कीती ते वसीयत वर्गी बेनती कीती, मैनू पिंड वालियां मड़ियां च लजायो। ते की बेनती कीती कि जे मैं मर जावां ते मेरा संस्कार अंतिम संस्कार कित्थे कीता जावे? मेरे पिंड दीयां मड़ियां च कीता जावे। मतलब ये उन्हें आखिरी अपनी इच्छा जाहिर कीती सी। ते इसे गल नू ही बलविंदर जिहड़ी सी उसने मजाकिया लहजे विच लिया सी। नैक्सट बेटा पेज नंबर 27 ते देखो, पहले वर्ड मीनिंग। तुरन फिरन लग पिया, तंदुरुस्त होना। नैक्सट वर्ड हादसे छुट्टे ने, मतलब बहुत हसना। बेवकूफ़ी, मूर्खता। रंग च भंग नहीं पाउंदा, वैसे इत वर्ड हुंदा मुहावरा रंग च भंग पाउणा बेसुआदी करनी। बाटी कौली। ओके बेटा, इहदी रीडिंग वेले असीं करिए। पर डॉक्टर गरेवाल ने उहनूं रातों रात ठीक कर दिता, उहदे शरीर का पानी घट गया सी। दूजे दिन शाम नूं असीं घर लै आए। 2 दिनों बाद बापू तुरन फिरन लग पिया ते एक दिन चुप करके अपना समान चुक के गैरेज जा वड़िया, शायद इस डरों भई बलविंदर दे रिश्तेदार देखणगे तां की कहणगे। पहले वह गैरेज तो अंदर लैके आउंदे ने कोठी विच, पर फिर बापू ठीक होकर गैरेज विच चला जांदा है। कुछ दिनों बाद जब सब नॉर्मल हो गया तो एक शाम बलविंदर दीयां वाल कट्टियां सहेलियां आईयां। कॉफ़ी सिप करदिआं बलविंदर ने बापू दी मड़ियां वाली गल चुटकला बना के सुना दित्ती। वह सब जोर नाल हसियां भई मरन वाले नूं की पता भई उन्हूं कित्थे ले जाया जाएगा ते कित्थे नहीं। फिर हरेक औरत ने अपनी सस जां सहुरे दा कोई ना कोई चुटकला सुनाया, जवाब च सारियां हसियां। गोई तैयार हो गई, ठंडी होण दी देर है। ड्राइंग रूम च फिर हादसे छुट्टे ने, हुण कमेंट्री लंच ब्रेक करके बंद है शायद। हुण तां जरूर किसी ना किसी ने बेवकूफ़ी की हद तक कोई चुटकला सुनाया होगा। शायद बलविंदर ने उही चुटकला दोहराया होए बापू वाला। मैं उन्हां दे इत्थे दे वर्ड हैगा, मैं उन्हां दे रंग च भंग नहीं पाउंदा। गोई दी बाटी चुक के बापू कोल लै के चलिया जांदा हाँ। हुण जो बापू ने इच्छा जाहिर कीती सी कि उसका अंतिम समा आउण ते उसनूं पिंड वालियां मड़ियां विच लिजाया जावे, ते यही गल बलविंदर दीयां कुछ सहेलियां आईयां सन
उसने उन्होंने चुटकला बना के सुनाई सी। तो अज भी लेखक नूं लग रहा सी कि जेकर हुण कमेंट्री लंच ब्रेक करके बंद है फिर भी इन्ने ड्राइंग रूम च हासे की आवाज़ आ रही है तो हो सकता है कि बलविंदर ने फिर उही चुटकला सुनाया होवे। पर लेखक उन्हां दे रंग च भंग नहीं पाउंदा बल्कि अपने बापू की इच्छा पूरी करने लई गोई की बाटी चुकदा है तो बापू कोल चलिया जांदा है। ओके बेटा, हुण साडी रीडिंग कंप्लीट हो गई है अते तुसी सारी स्टोरी जो है उस चंगी तरह रीड करना है। ओके बच्चे, थैंक यू।